अपमान को सहना सबसे मुश्किल होता है, लेकिन उससे भी मुश्किल होता है उसका बदला लेना, क्योंकि बदले की आग में कभी कभी चीज़ें पहले से भी ज़्यादा खराब हो जाती हैं। हालांकि कुछ लोगों के पास एक कला होती है, वो अपने आप को संभाल कर बदले के बारे में तैयारी करते हैं, जिसके कारण ही वो सफलता भी हासिल करते हैं। ऐसे ही एक बदले की कहानी हम आपको आज सुनाने वाले हैं। प्रिंस ऑफ कोलकाता और ऑफसाइड के गॉड कहे जाने वाले सौरव गांगुली आज BCCI के प्रमुख के तौर पर काम कर रहे हैं, लेकिन अपने खेलने के दौरान वो बेहद आक्रामक खिलाड़ी और कप्तान थे। हम सभी को सौरव गांगुली की एक फ़ोटो जो सबसे पहले ध्यान में नज़र आती है वो उनकी लॉर्ड्स की बालकनी में टी शर्ट लहराना है, लेकिन दादा ने उस घटना को बदला लेने के लिए किया था। क्या आपको इस बारे में पता है? जी हाँ, दादा ने वो इंग्लैंड के एंड्रू फिलटॉप से बदला लेने के लिए किया था। बात 3 फरवरी 2002 की है। मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में भारत बनाम इंग्लैंड के बीच वनडे सीरीज खेली जा रही थी। सीरीज में 3-2 से भारत आगे थी। इस मैच में जीत दर्ज करके भारत सीरीज पर कब्जा कर लेता, लेकिन भारतीय टीम मैच हार गई और इंग्लैंड ने सीरीज बराबर कर ली। इसके बाद इंग्लैंड के तेज गेंदबाजी ऑलराउंडर एंड्रू फिनटॉप ने अपना टी शर्ट लहराया, जिससे कप्तान सौरव गांगुली को बड़ा बुरा लगा था, जिसके कारण ही दादा ने इसका बदला लेने का ठान लिया था। मन में उन्होंने इसका प्लान बनाना भी शुरू किया था। 5 महीने के बाद दादा को इसका मौका मिल गया। भारत और इंग्लैंड की टीम नेटवर्क ट्रॉफी के फाइनल में आमने सामने थी। क्रिकेट का मक्का कहे जाने वाले लॉर्ड्स पर खेले गए इस फाइनल में इंग्लैंड ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी की। सलामी बल्लेबाज मार्कस और निक नाइट ने जोरदार शुरुआत करते हुए पहले विकेट के लिए 41 रन जोड़े। निक नाइट 14 रन बनाकर आउट हुए। वहीं टेस्को कौथिक डटे रहे, जिसके बाद तीसरे नंबर पर बल्लेबाजी करने आए नासिर हुसैन ने मोर्चा संभाला। इन दोनों बल्लेबाजों ने टीम इंडिया के गेंदबाजों की जमकर धुनाई करते हुए 185 रनों की साझेदारी की। टेस्को कौथिक ने 109 और हुसैन ने 115 रन बनाए। इसके अलावा मध्यक्रम के बल्लेबाज एंड्रू फिनटॉप ने रही सही कसर पूरी कर दी। उन्होंने तूफानी बल्लेबाजी करते हुए 32 गेंदों पर 40 रन बना डाले। इस तरह इंग्लैंड की टीम ने निर्धारित 50 ओवर में 5 विकेट गंवाकर 325 रन बनाए। भारत की तरफ से यहीर खान ने सबसे ज़्यादा 3 विकेट हासिल किए, वहीं आशीष नेहरा और अनिल कुंबले को 1-1 विकेट मिला। 326 रनों के लक्ष्य का पीछा करने उतरी टीम इंडिया की शुरुआत शानदार रही। पारी का आगाज करने उतरे कप्तान सौरव गांगुली और वीरेंद्र सहवाग ने पहले विकेट के लिए 106 रनों की साझेदारी की। सौरव गांगुली 60 रन बनाकर आउट हुए। तीसरे नंबर पर बल्लेबाजी करने उतरे दिनेश मोंगिया कुछ खास नहीं कर पाए और 9 रन बनाकर ही पवेलियन लौट गए। इस बीच वीरेंद्र सहवाग पर भी दबाव बढ़ा और वह 45 रन बनाकर चलते बने। इस दौरान इंग्लैंड के गेंदबाजों ने बेहतरीन बॉलिंग करते हुए 146 रनों पर भारत के 5 विकेट गिरा दिए थे। टीम इंडिया के मान्यता प्राप्त ज्यादातर बल्लेबाज पवेलियन लौट गए। एक समय ऐसा लग रहा था कि इंग्लैंड यह खिताबी मुकाबला आराम से जीत लेगा, लेकिन किसे पता था कि 6 और 7 नंबर पर बल्लेबाजी करने आए युवा युवराज सिंह और मोहम्मद कैफ इतिहास रच देंगे। इन दोनों बल्लेबाजों ने 121 रनों की साझेदारी कर भारत को संकट से उबार लिया। युवराज सिंह ने 69 रनों की शानदार पारी खेली, जिसमें उन्होंने 9 चौके और 1 छक्का लगाया, जबकि मोहम्मद कैफ ने 87 रनों की नाबाद पारी खेलते हुए टीम इंडिया को खिताब जिताने में अहम भूमिका निभाई। भारत ने 3 गेंद शेष रहते ही 8 विकेट पर 326 रन बना लिए। मैच में अजीबित 87 रन की पारी खेलने वाले कैफ को मैन ऑफ द मैच का अवार्ड से नवाजा गया। जीत के बाद भारतीय टीम के कप्तान सौरव गांगुली ने लॉर्ड्स की बालकनी में अपनी टी शर्ट उतार कर हवा में लहराई थी। दादा को अपने इस फैसले के कारण जुर्माना भी देना पड़ा था, लेकिन इन सबसे परे दादा ने अपने आप को रखा, इसके कारण ही वो आज दिग्गज कप्तानों की लिस्ट में नजर आते हैं। इस जीत ने ही भारतीय टीम को एक विश्वास भी दिया था, जिससे दादा का बदला पूरा हो गया। उसके बाद से सभी को संदेश मिल गया कि भारतीय टीम को स्लेज नहीं कर सकते और टीम का अपमान तो कर ही नहीं सकते। दादा ने भारत को लड़ना सिखाया, जिसके कारण ही आज भारतीय टीम विश्व क्रिकेट पर राज कर रही है। खेल, राजनीति और मनोरंजन से जुड़ी जानकारियों के लिए हमारे चैनल सत्योदय मीडिया को सब्सक्राइब करें। इस वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें।